हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस ने कल ही रात को अपनी अंतिम सूची 40 उम्मीदवारों जारी की है। इस वक्त हमारे साथ दादरी से मनीषा सांगवान है जिन्हें कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। मनीषा जी, क्या उम्मीद है इस बार दादरी से कांग्रेस परचम ले रहा है, क्योंकि कभी दादरी यहाँ जीती नहीं कांग्रेस? जी बिल्कुल, परचम लहराएगी। आप लोगों का जोश देखिए, इससे ही साफ हो जाता है इस बार दादरी कांग्रेस पार्टी को एक मौका देगी। मनीषा जी, इस बार पूर्व प्रोफेसर बनाम पूर्व जेलर का मुकाबला है, क्या लगता है कि इस बार पूर्व प्रोफेसर जीतेगा? दादरी की जनता है शांति, दादरी की जनता चाहती है गुंडागर्दी से मुक्त हो दादरी, तो इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। मैं इस बार टिकट के कई दावेदार थे, जैसे मनीषा जी पूर्व जो विधायक है वो भी कांग्रेस शामिल हो गए, आप भी थी, क्या क्या ऐसा क्या था, आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में जिसपे जनता आपको वोट करेगी? मैंने सिर्फ एक पार्टी के लिए काम किया है, वो है कांग्रेस पार्टी। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल किए हैं इस पार्टी को संगठन के लिए काम किया है, मजबूत किया है, बहुत लॉयली काम किया है इस पार्टी के लिए। मनीषा जी, हमने देखा कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व जेलर हैं, वो राम रहीम के मामले में जब उनको बेल दी गई तो परोल दी गई तो वहाँ के जेलर थे, क्या लगता है वो एक इशू है जो उनके साथ रहेगा इस चुनाव में? महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है और हम सब जानते हैं कि बाबा राम रहीम को जेल क्यों हुई। तो एक ऐसे इंसान जो महिला सुरक्षा की परवाह नहीं करते, जो महिलाओं के अधिकारों को परवाह नहीं करते, मुझे नहीं लगता दादरी की जनता उनको मौका देगी। दादरी में क्या फोगाट जो पहलवानों का गढ़ है, फोगाट ब्रदर्स है, विनेश अब आपकी पार्टी में आ गई है, क्या उम्मीद है कि विनेश के आने से कांग्रेस को फायदा होगा? जी बिल्कुल, वो पार्टी को बहुत मजबूत करेगी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आपने देखा ये मनीषा सांगवान का काफिला है जो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, काफी भीड़ है यहाँ पर, तो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं, जो परिवर्तन की बात कही जा रही है, वो यहाँ की जनता करेगी। मैं कैमरा पर्सन सुदीश के साथ, मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।